वहीं दूसरी ओर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद स्थापना काल से ही छात्र हित और राष्ट्र हित में कार्य करती आ रही है। इसी कड़ी में रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं के फूड पॉइजनिंग के शिकार होने के मामले में एक बार फिर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए जमकर प्रदर्शन किया। रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज इन दिनों काफी सुर्खियों में बना हुआ है। कारण है कि इस नर्सिंग कॉलेज की छात्राएं अचानक फूड पॉइजनिंग का शिकार हो गई और एक निजी अस्पताल में उनका इलाज जारी है। इसी में एक छात्रा की मौत भी हो गई है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने मोर्चा खोल दिया है। मंगलवार को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने जमकर प्रदर्शन किया और रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कॉलेज को बंद करने की मांग की है। इस मामले में मीडिया ने रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के मेस का मुआयना भी किया, जहां स्थितियां सामान्य नजर नहीं आ रही थी। मेस के बगल में गंदा नाला गुजरता है और इस मेस का आरओ सिस्टम भी लंबे समय से खराब है, परंतु इस संबंध में प्रबंधन का कहना कुछ और ही है। देखिए, ये जो रूटीन का एक महीने से जो बुखार हो रहा है, ये तबीयत खराब बोल रहे हैं, ये सरासर गलत बात है। जो नॉर्मल बुखार होता है लोगों को वो है। एक महीने से कोई एडमिट हमारे यहाँ नहीं है। ये जो एडमिट हुए हैं 30 तारीख से हुए हैं, जो कि एक दिन उसके पहले कुछ दिन पहले जो जोरदार बारिश हुआ, जिसकी वजह से मे भी पानी का प्रॉब्लम है, क्योंकि हमने डॉक्टर से बात किया था, हाईटेक में डॉक्टर जितने डॉक्टर उनसे बात हुई, उनका कहना है कि सर ये खाने का फूड पॉइजन नहीं है, ये पानी का कहीं ना कहीं मिक्सअप की वजह से, जिसके लिए जाँच के लिए हमने पानी को बॉटल में भर के दुरूप में दे दिया है, जिसका रिपोर्ट आ जाएगा। फिलहाल अभी तक ये नहीं आया है, जैसी आएगा हमको उसकी क्लियरिटी हो जाएगी। फिर भी उसके बाद भी हमने जहाँ जहाँ हमारे प्यूरिफायर लगे हुए थे, जो ऑलरेडी पहले से लगे थे, उसको फिर से रीचेंज किया है। कुछ जगह और करना है, जिसको हम बहुत जल्दी चेंज कर देंगे। उसके लिए जो हमारे तरफ से जिस बच्चे की मृत्यु हो गई है, उसके लिए उनको जो एक राशि प्रदान करेंगे हमारे चेयरमैन सर, वो आज पहुंच जाएंगे, उसके बाद हम एक राशि प्रदान कर देंगे। उनके जो भी लॉस हुआ, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते। और रही बात जो बच्चे अभी हैं हमारे अस्पताल में, उनके लिए हम लोग बेस्ट ऑफ बेस्ट जो सर्विसेज दे सकते हैं वो कर रहे हैं। काफ़ी बच्चे रिकवर होके भी आ रहे हैं। आज मेरे ख्याल से 7-8-10 बच्चे छूट जाएंगे उस हॉस्पिटल से। हमारा एक आदमी जा चुका है सर वहाँ पर मिलने के लिए, क्योंकि क्या है, वो बच्चा यहाँ जब था ना, बीमार नहीं था एक्चुअली, उसके माँ बाप को फोर्सफुली यहाँ से लेके गए और वहाँ पर उसकी मृत्यु हो गई। हमको भी इस बात का बहुत दुख है कि उसका मृत्यु हो गया, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अपन अपनी तरफ से पूरी कोशिश की कि ऐसा कुछ ना हो, हमने उनको समझाया भी था, लेकिन वो लेटर लिख के हमको दे के लेके चले गए। नहीं सर, ये मैं मानता हूँ कि वो नाले साइड से नाला, मेस के साइड से नाला गया हुआ है, लेकिन मेस जो है एग्जैक्टली जो खाना बनता है और जहाँ बच्चे खाते हैं, वो उसका डिस्टेंस काफी दूर है। कितना दूर? फिर भी फीट में कितना फीट होगा सर? कम से कम मेरे हिसाब से 30 फीट से दूरी है वो चीज़। मतलब दूर से बदबू और बैक्टीरिया नहीं आता? नहीं सर, बदबू उस समय पर्टिकुलर नहीं आती है जब ये है, लेकिन हाँ ये चीज हम सफाई उसकी पूरी चीजें से कर रहे हैं और उसको प्रॉपरली चीजें को ठीक कर लिया जाएगा, जिसको जो कि नाली दिखे ना, उस बेसिस में उसको अपन कवर करके रखिए। हमारा प्लान है कि हम मेस को यहाँ से ट्रांसफर दूसरी जगह कर दें। कब तक हो जाएगा सर ये? आने वाले हफ्ते भर में हम इसको शिफ्ट कर देंगे। हाँ सर, एक हफ्ते कोशिश कर रहे हैं कि हम एक दो दिन में ही कर दें, एज अर्लीस्ट जितनी जल्दी, और अपन कोशिश कर रहे हैं कि वो उस साइड पूरी दीवार वाल उठा दें, ताकि और मलवा वलवा डाल के थोड़ा और पक्का कर दें, ताकि वहाँ का कोई भी डिस्टर्बेंस ना आए। ये दोनों पॉसिबिलिटीज में जो भी हो, लेकिन हमारी प्रायोरिटी है कि हम मेस को थोड़ा सा वहाँ से शिफ्ट करके दूसरी जगह। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज के प्रबंधन पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए प्रबंधन को फूड पॉइजनिंग की वजह से हुई एक छात्रा की मौत का जिम्मेदार बताया है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा किए जा रहे प्रदर्शन के बीच पुलिस प्रशासन के साथ झूमा झटकी की तस्वीरें भी सामने आई है। इस मामले को लेकर अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारी ने न्यूज टीम को जानकारी दी है। कॉलेज की मांग ये है, जो अभी कॉलेज कैंपस के हॉस्टल में हुआ है, जो 60 बच्चे भी भर्ती हैं, एक बच्चे की मृत्यु हुई फूड पॉइजन की वजह से, उसको विषय वो रहा। और जो कॉलेज में पानी वानी को व्यवस्था, खाने में कीड़े की समस्या को लेके अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने अपना आंदोलन कॉलेज रस्तोगी साहब को ज्ञापन दिया है और कलेक्टर साहब को आज हम लोग ज्ञापन देंगे इस विषय को लेके। और हमारा विषय ये है, जो बेचारी बच्ची जिसकी मृत्यु हुई है, उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? कॉलेज प्रशासन लेगा? कॉलेज प्रशासन तो हाथ खड़ा कर देगा, नहीं हमारा तो कुछ नहीं है। वो लोग हमेशा कॉलेज प्रशासन का यही रहता है, वो लोग हमेशा हाथ खड़े कर देते हैं। यही हमारी मांग थी और जल्द से जल्द पूरा हो ये हमारी, नहीं तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन करने के लिए बाध्य होगी। मुख्य रूप से कॉलेज डायरेक्टर हैं, जो वो हैं इसके मुख्य जिम्मेदार, वो जिम्मेदार हैं। अगर हमारी ये सब चीज़ें जो हो रही थी, बच्चे कॉलेज में जा जा के बार बार शिकायत कर रहे थे, जिसकी
नजरअंदाजी की गई कॉलेज प्रशासन की तरफ से, तो कॉलेज प्रशासन ही इसका जिम्मेदार है, डायरेक्टर साहब इसके जिम्मेदार हैं। और इसकी मांग के लिए हम लोग ये चाहेंगे जो बच्ची जो हमारे बीच नहीं रही उसके अधिक से अधिक मुआवजा, उच्चतम मुआवजा दिए डायरेक्टर साहब, और जांच कमेटी जो बनी है उसमें कॉलेज प्रशासन के भी एक हमारे प्रतिनिधि रहे, मेरी ये मांग रहेगी। अभी हमने, मैं और हमारे विभाग सचिव जी बच्चों से मिलने गए थे, उनकी जो हमने बात की अभी ठीक हैं, कुछ एक दो बच्चे ICU में भर्ती हैं जिन सीरियस हालत में हैं, अभी हम लोग उनसे कंटिन्यू उनसे बातचीत हो रही है, मिलने जा रहे हैं हम लोग, जैसी भी स्थिति रहेगी आगे आप लोग को सूचित कर दें। आश्वासन ये मिला है कुछ नहीं, पर डायरेक्टर साहब नहीं है करके अभी हम लोग ने यहाँ ज्ञापन दिया है, डायरेक्टर साहब आएंगे, हम उनसे भी बात करेंगे और कलेक्टर साहब से भी बात करेंगे, कलेक्टर साहब को भी आज हम लोग ज्ञापन देंगे, और नहीं होगा कुछ तो उग्र और संख्या में प्रदेश आंदोलन करेंगे, सीएम आवास घेराव करेंगे, जहां तक रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र हित में लड़ते रहेगी। महाविद्यालय द्वारा जो है लगातार लापरवाही चले जा रही है, जब अभी 60 बच्चियां एडमिट है तो भी आज जब बच्चे पानी पीने गए, पानी पीने की व्यवस्था में आज भी पानी में उसमें कीड़ा आया है। दूसरा, अभी तक वो जो छात्रा बहनें जो स्वर्गवास हुई है, अभी तक जो डायरेक्टर सर हैं 3 दिन से बाहर हैं, अभी तक ना ही वो यहाँ पे 60 जो पेशेंट जो बच्चियाँ एडमिट हैं ना ही उनसे मिलने गए हैं, ना ही उनके परिवार से मिलने गए हैं, जहाँ जो बच्ची खत्म हुई उनके परिवार से भी मिलने नहीं गए हैं। और ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की तरफ से आह्वान है, अगर वो छात्रा बहन को मुआवजा नहीं मिलता है तो पूरे प्रदेश भर में जितने रस्तोगी कॉलेज है सबके बाहर आंदोलन होगा, उसके बाद ये सीएम आवास तक ये जाएगा और उन रस्तोगी कॉलेज के नाम से, और कॉलेज में ताला लगेगा। बच्चियां लगभग 1 महीने से बीमार हो रही है, उन लोग 15 दिन 20 दिन मतलब हर 2 दिन में आ रहे हैं कि सर खाने में कीड़ा आ रहा है, खाने में अलग प्रकार के कीड़े आ रहे हैं, हम साइड करके हम बच्चे लोग भूखे हैं क्या करेंगे, लोग खा ले रहे हैं, लेकिन कॉलेज के तरफ से लापरवाही, कुछ एक्शन नहीं लिया गया, पूरा गलती जो है बच्चों के तरफ, आप लोग मत आइए नहीं तो प्रैक्टिकल में आप लोग का नंबर कम हो जाएंगे, ऐसे करके बच्चों को डरा रहे थे। सर ये चाहेंगे कि एक कमेटी टीम बने और डेली यहाँ के जो सर हैं, यहाँ के जो मैनेजमेंट है वही खाना खाएं, और उनको पता चले उनके लिए कुछ अलग से खाना ना है, वही मैस में खाना खाएं और वही मैस में जो पानी जो है वही पिए, तब उनको समझ में आएगा और तब इसकी जो है जाँच जो है मतलब जो कॉलेज की जो व्यवस्था है सही तरीके बनेगी, और एक विद्यार्थी परिषद की एक प्रतिनिधि मंडल में भी उसको रखा जाए ताकि कुछ भी ऐसा गलती हो तो हम उसको आंदोलन करें। रस्तोगी नर्सिंग कॉलेज का मामला अब तूल पकड़ने लगा है, लगभग जिले के सभी संगठन खुले रूप से कॉलेज के विरोध में सड़क पर उतर चुके हैं। देखना होगा कि शासन प्रशासन इस मामले में किस तरह का रुख इख्तियार करता है और इसका क्या परिणाम निकलता है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।